तो जो मर्जी कर ले, चश्मा पहन ले, शक्ल तेरी वैसी ही रहनी है। अखा छुपाई गई ने ब्रो। ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नंडी व्लॉग्स। तो हम ब्लफर्स बीच पहुंच चुके हैं। आज बॉयज डे आउट है। मेरे अपने मेरे रूममेट्स, मेरे हाउसमेट्स सारे चल रहे हैं हम। तो आज ब्लफर्स बीच आए हैं। पहली बार हम पांचों कहीं साथ में कहीं घूमने आए हैं। तो देखते हैं आज जैसा एक्सपीरियंस आता है। और आपने जो देखी, मैंने गाड़ी ले ली है, कितने के लिए, कैसे ली, क्यों ली, और जो जो सारी चीज़ें हों, और गाड़ी आपको मैं आराम से दिखाऊंगा। तब अभी आप ब्लफर्स बीच इंजॉय करो। क्या करना? किश्ती 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 करनी है, जेट्स की। तो चश्मा पहन के तो किश्ती ही बोल रहा है। पर करो करो बकवास करो, सुन रहे हैं। सारे यूट्यूबर नहीं चाहिए मेनू। यार एक मिनट, ओए पहले बताओ यार, इसने इसने मैंने सोरेन सब ने ट्राउजर पहने, तो जीन्स क्यों पहन के? तो अभी हम जा रहे हैं, जो स्पीड बोट वगैरह चल रही है ये सब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ओ हम सारे तो इधर खड़े हैं, तू किसकी बोट ले रहा है? सुनो तो कुछ नहीं है, घर जाओ, बाय बाय। तो इधर बहुत कुछ है देखने के लिए। अगर आप टोरंटो आ रहे हो तो स्कारब्रो में ब्लफर्स बीच जरूर आना। गर्मियों का टाइम आ गया, बड़ा मस्त है। क्या लग रहा है यार, क्या बन के आया हुआ आज? मांगी हुई ये पहनी है, मांगा हुआ चश्मा पहनना, क्या बन के आया यार? चश्मा दे दे मेरे यार, दो लाए फिर सरदार वाला यार। जैसे जो जो चश्मे थे, जैसे ये मालिक के पास पहुंचे तो अभी जचने लग पड़े हैं, वरना पहले तो मंगी हुई चीजें फिर कैसी लगती हैं। हुड्डी भी पता खुली खुली क्यों लग रही है, क्योंकि ये हुड्डी भी कुकी की है। ओ देखो, ओ देखो, लेबर जनर। रो क्यों रहा? दो बात कह रहा है, बीच चढ़ाई पे क्यों आ रहा है? ये कह रहा है बंदा मालदीव याद आ गया सर, लुधियाने के बाहर तू पहली बार निकला यहाँ पे, मालदीव याद आ गया। पिंड में तुम्हारे कौन से बीच था? क्या रिव्यूज है फिर? मजा आ रहा है, अभी तो पानी में भी नहीं उतरा। क्या रिव्यूज है फिर? यहाँ पे फक मैन, पानी गीला है, पानी गीला है। सौरभ तो यार, सौरभ तो दूसरों के कपड़े पहन के, उसका तो कपड़े पहन के पानी में घुस जाएगा, वो भी गंदे होंगे, गिल होंगे। ये गिरते सौरभ गिर रहा था, मेरे को बस यही हुआ कि ओ यार नहीं पहन के यार, क्या बंदा यार, हमने अपने कपड़े पहने हैं। ओ पंगा पै गया, पंगा पै गया। और यहाँ पे बंसल ने शर्ट खोल दी है, कुछ आपने देखा किंगड़ी पहलवान। ओ यार मिट्टी नहीं उड़ा यार, ये क्या बंदा है यार, ये मिट्टी उड़ा रहा है यार।
ये तो ये सौरभ उठक बैठक करते हुए, क्योंकि इसका जूता नवजोत के हाथ में है और अब ये पानी में जा सकता है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, इधर दोस्तों के साथ आओ, चिल करो, दिन में आओ, फुल एंजॉय है। अब तो हमारे कॉलेज वगैरह स्टार्ट हो चुके हैं तो हम दिन में नहीं आए, थोड़े शाम के टाइम आए, वरना आप अपना टेंट वगैरह खाने पीने का सामान सब लेके आ सकते हो, बहुत सही जगह आने के लिए। और बाकी मैं आपको अपनी गाड़ी की इन्फॉर्मेशन भी दूंगा आगे इस वीडियो में, तो बने रहिए इस व्लॉग के साथ। सौरभ ये क्या बना रहा है, ये क्या बना रहा था, ये क्या अपना घर बना रहा है, क्योंकि हम अपने वाले से तो निकालने लगे हैं बड़ी जल्दी। अब कर ले, मैं ये शॉर्ट ही नहीं डालूंगा, बोल, चल बोल। गाइस पानी है बहुत ठंडा। ये हमारा किंगफिशर सुपर मॉडल। तुम पता एक जाना होता है किंगफिशर सुपर मॉडल हमारा। वो पासपोर्ट साइज फोटो की चाह रहा है। ओके, सो हम ब्लफर बीच से वापस आ गए थे। मैं आप देख रहे हो जैसे मैं गाड़ी में बैठा हूँ, ये मेरी खुद की गाड़ी है, ये मेरी पहली गाड़ी है यहाँ कनाडा में, होप्सो आगे और आती रहे। एंड मैंने ये कैसे लेने का सोचा, क्या खर्चे हैं, मैं आपको वो सब बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने ये गाड़ी क्यों ली, क्योंकि एक तो मेरा, आपने अगर देखा होगा पुरानी वीडियो में, तो मेरा जी लाइसेंस नवंबर के अराउंड बन गया था, उसके बाद मैं इंडिया गया, तो इंडिया से पहले का तो कोई प्लान नहीं था ये लेने का, बिकॉज मैं नहीं चाहता था मैं इंडिया जाऊँ, और एक रिस्क भी था कि अगर मैं वहाँ फिर से स्टक हो गया तो इसके खर्चे तो देने पड़ने थे, इसलिए मैंने सोचा था मैं इंडिया से आके ही लूँगा। उसके बाद मैंने, अब हमारा कॉलेज था वो भी ऑफलाइन हो रहा था, तो उसमें भी जाना पड़ना है, रोज़ तो नहीं, मेरी चार दिन क्लास है, बट स्टिल उसके बाद काम पे भी जाना है बाकी तीन दिन, जब भी हमें लाइक टाइम मिलेगा, जो भी हमारा स्केड्यूल होगा उसके अकॉर्डिंग। तो जो ये अप एंड डाउन ये सब होता है ना, तो ये अगर आप किसी ट्रांजिट में कर रहे हो लाइक बस वगैरह, ये वो बस नॉर्मली 15 मिनट का जो आपकी गाड़ी में ट्रैवल है, बस में वो भी 45 मिनट्स 1 आवर का हो जाता है कभी कभी, ऊपर से अगर बारिश हो जाए या स्नो हो जाए तो बहुत ही दिक्कत। बाकी अगर आप ऊबर वगैरह कराओ कोई $20, अगर आप यहाँ से लाइक मैं मिसिसागा रहता था पहले, अभी स्कारबरो हूँ, यहाँ से आप टोरंटो वगैरह की करा रहे हो $40, $50, जो कि बिल्कुल भी वर्थ नहीं था। इसलिए मैंने गाड़ी लेने का सोचा कि खुद की गाड़ी होती है ना तो आपको कुछ भी देखना नहीं पड़ता, कहीं भी काम है कुछ भी है आप पहुँच जाते हो, बाकी टाइम बहुत सेव होता है। जैसे ही ये गाड़ी आ जाती है ना तो उसके बाद टेंशन हो जाती है रेंट की, ओह सॉरी रेंट बोल रहा हूँ मैं, रेंट की तो रहती है टेंशन जहाँ पे रह रहे हो आप, बाकी की गाड़ी की भी लाइक फाइनेंस करवाई है मैंने तो उसकी जा रही है मंथली जो भी एक्सपेंसेस हैं, एंड देन इंश्योरेंस भी इधर की मंथली बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है खासकर अपने GTA में, तो फिर क्या किया जाए, तो गाड़ी तो लेनी है, तो ये एक्सपेंसेस भी ना मैनेज हो जाते हैं। अब ऑब्वियसली डिपेंड करता है आप क्या जॉब कर रहे हो, अगर आप मिनिमम वेज लाइक इधर 14.5 इस पे आप काम कर रहे हो, देन अपना रेंट भी निकालना, गाड़ी के खर्चे भी निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट वहीं कुछ ऐसे काम है जैसे ऊबर राइड होगी या अमेजोन डिलीवरीज होगी और XYZ ऐसे काफ़ी काम है, मैं आपको इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा वैसे, तो इनमें क्या होता है ना, इनमें पेइंग रेट ज़्यादा होता है, जैसे ऊबर में तो कभी कभी $20 प्लस बन जाते हैं पर आर के, अपना जो अमेजोन डिलीवरी होते हैं वो भी लाइक आपको पर आर के भी उनके $18-19 ऐसे से बन जाते हैं। तो जब आप ऐसे काम कर रहे हो ना, देखो काम सारे कर रहे हैं इधर, अब ये डिपेंड करता है कि आप क्या काम कर रहे हो और कितने स्मार्टली काम कर रहे हो, तो उसी से ही आपके खर्चे निकलेंगे, वरना मिनिमम वेज पे कोई निकाल रहा होगा तो वो बहुत ही अच्छी बात है, बट मेरे को काफ़ी दिक्कत हो रही थी जब मैं स्टार्टिंग में बिल्कुल अपने मिनिमम वेज पे काम कर रहा था। एंड देखिए मैंने यही गाड़ी क्यों ली, एंड ये कौन सी गाड़ी है, तो ये
Hyundai Elantra 2019 मॉडल है, बट मैंने अब पुरानी गाड़ी क्यों ली? एंड अगर पुरानी गाड़ी ली भी तो वो कैश पे क्यों नहीं ली, मैंने फाइनेंस क्यों कराई? और यहाँ पे कहीं उन्होंने सुना होगा एक ऑप्शन लीज का भी होता है, तो और मैं इस गाड़ी का कितना दे रहा हूँ, तो वो सब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली मैंने ये गाड़ी इसीलिए ली बिकॉज जब मैंने किसी डीलरशिप लाइक मैं प्रॉपर एक Hyundai के डीलरशिप में गया हूँ, मैंने वहाँ से ली है ये गाड़ी। तो अब आप देख सोचेंगे वहाँ सेकेंड हैंड गाड़ी ले ली, तो यहाँ पे आप Hyundai के शोरूम में जाओगे ना तो आपको वहाँ पे Hyundai की नई गाड़ियाँ तो मिलेंगी, वहाँ पे आपको सेकेंड हैंड अपना BMW, Audi, Honda, Toyota हर मिल जाएगी आपको वहाँ पे, यहाँ पे ऐसा सीन है। तो फिर मैंने Hyundai 2019 मॉडल इसीलिए ली, पहली बात तो जो नई गाड़ी हैं वो इस टाइम पे उनकी वेटिंग चल रही है काफ़ी, क्योंकि कोई एक चीज़ है जो शायद चिप है, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम हर चीज़ में उसमें डलती है वो, तो वो इस टाइम पे उसकी काफ़ी शॉर्टेज चल रही है। तो चार पाँच महीने का वेट था, जो कि मैं वेट बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था नई गाड़ी के लिए, 4-5 महीने वेट करके फ़ायदा ही नहीं था कुछ भी। उसके बाद मैंने ये गाड़ी इसलिए ली क्योंकि फिर मेरे पास ऑप्शन थे, उनके अवेलेबल कौन कौन सी थी, मैंने काफ़ी शॉप अराउंड किया, ऐसा नहीं है कि मैं सीधे एक जगह गया और मैंने लाइक उठा ली राइड, मैं काफ़ी जगह गया, काफ़ी शोरूम गया मैं, होंडा टोयोटा हर शोरूम, किया हर निसान हर जगह मैं पहुँचा हूँ। एंड हर जगह से कोई ये बोल रहा था कि अच्छा आपको तो अभी एक साल भी नहीं हुआ है, लाइक 9 मंथ्स, तो आपको मुश्किल है फाइनेंस वगैरह हो पाए, कैश आउट करना पड़ेगा, और ऑब्वियसली इतना कैश इसके पास होता है, लोग यहाँ पे कैश आउट भी कराते हैं, बट अभी हमने लाइक हमारे कॉलेज की थर्ड सेम की फ़ीस वगैरह भी गई थी, तो मैं कुछ भी अपना ऑब्वियसली बंदा अपने पास सेविंग्स भी रखता है थोड़ी बहुत, तो इसीलिए फिर एट दी एंड क्या होता है यहाँ पे ना, आप जब कहीं शोरूम में जाते हो ना, आपको कोई गाड़ी दिखती है, मेरे को भी एक गाड़ी पसंद आई थी BMW की थी, मैंने क्यों नहीं ली वो और उसके ऊपर मैंने ये गाड़ी क्यों ली, प्राइस में दोनों के प्राइस में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, दोनों फाइनेंस हो रही थी, मैं लेने को वो भी ले सकता था, बट मैंने ये इस माइंडसेट के साथ ली है कि अभी मैं स्टूडेंट हूँ और मैंने काम भी करना है, वरना यहाँ पे तो स्टूडेंट्स मस्टैंग चैलेंजर उनमें भी घूम रहे हैं, पर मैंने इसको वर्क पर्पज़ से ली है, ना कि अपना शौक पूरा करने के लिए। तो इसीलिए BMW में तो आपको पता है प्रीमियम फ्यूल वगैरह था सब कुछ, तो उसमें ऊबर राइड्स, अमेजोन डिलीवरी, इन सब का कोई बनता नहीं, कोई लॉजिक नहीं है उसमें करने का ये सब, तो इसलिए मैंने ये गाड़ी ली। सेकंड क्या होता है यहाँ पे, जब आप जाते हो ना तो सबसे पहली बात होती है कि आप कहते हो कि अच्छा हमें ये गाड़ी पसंद है, होंडा सिविक समझ लो स्पोर्ट्स एडिशन आपको, बट पॉइंट ये है कि वो आपके क्रेडिट कार्ड पे अप्रूव करेगा बैंक या नहीं करेगा, ये पॉइंट है। अभी इससे पहले एक गाड़ी थी जो मेरे क्रेडिट कार्ड पे हो जाती अप्रूव अगर मैं थोड़ी ज़्यादा डाउन पेमेंट करता या वैसा कुछ, बट मैंने वो खुद ही नहीं कराई क्योंकि फिर मेरे को फ़ायदा ही नहीं था, लाइक स्पोर्ट्स एडिशन पे मैं ऊबर कर रहा हूँ, आप खुद बताओ उसका क्या कोई बेनिफिट ही नहीं है, तो इसीलिए मैंने ये गाड़ी ली, ये मेरे को ईजिली अप्रूव भी होगी। तो सबसे पहले जब भी आप जहाँ जा रहे हो तो आप उनसे ये चीज़ पूछोगे कि ओके ये मेरा क्रेडिट कार्ड है, आप ऑब्वियसली क्रेडिट कार्ड एक क्रेडिट स्कोर हिट भी होगा, बट सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप उनसे ये पूछो, ये ना उनको बताओ कि मुझे ये गाड़ी लेनी है, उनसे ये पूछो कि मेरे को गाड़ी कितने कितने अमाउंट तक की मेरे को गाड़ी फाइनेंस हो सकती है, तो वो आपका क्रेडिट लिमिट वगैरह चेक करेंगे, अगर कोसाइनर की ज़रूरत पड़े तो वो सब। तो मेरे को तो किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी, मेरे अपने क्रेडिट स्कोर पे ही ये गाड़ी अप्रूव होगी, बाकी इस गाड़ी का कितने का क्या है वो सब मैं कुछ सब बताऊंगा आगे। वो सब बताने से पहले सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इधर क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। मेरे अकॉर्डिंग लीज़ का क्या होता है ना, लीज़ मेरे को अच्छी लगती है क्योंकि उसमें क्या कि 3-4 साल आपने गाड़ी चलाई, गाड़ी का कोई एक्सीडेंट केस हो गया कुछ हो गया तो आपको बाद में उसको बेचने की टेंशन नहीं है क्योंकि आप वापस शोरूम को वो वापस कर सकते हो, बट दिक्कत ये है कि लीज़ सिर्फ नई गाड़ी पर होती है, बाकी फाइनेंस का तो आपको पता ही, और कैश आउट भी, कैश आउट आप कैश आउट वाली गाड़ी एक स्टूडेंट 10-15 कितने की कैश आउट कर लेगा, जो 20 की कर लेगा बहुत ही अच्छी बात है, बट मेरे को नहीं ठीक लगता कि महंगी गाड़ी कैश आउट करके लेना। और 2019 से कम का, अभी 2022 चल रहा है और मैं 2019 के लिए, तो इट्स गुड, बट अगर मैं और 2015 की वो भी अच्छी चलती हैं, 2011 की कहीं वो भी अच्छी चलती हैं, बट मैं इतनी डाउन की भी नहीं लेना चाहता था बिकॉज मेरा प्लान है, मैंने 6 साल का फाइनेंस करवाया एंड मेरा प्लान है इसको अपने पास रखने का
एटलीस्ट चार पांच मतलब लाइक अभी मेरी स्टडी रहती है एक साल की, उसके बाद एटलीस्ट दो ढाई तीन साल तो मैं रखूंगा इसको अपने पास। तो इसीलिए मैंने 2019 मॉडल लिया कि एटलीस्ट अगर 2022 से 2026 भी पहुंच रहे तो गाड़ी अच्छी चल रही है, मेरे को कोई दिक्कत ना दे। और यह है कि ना जब आप गाड़ी ले रहे हो चार पाँच हज़ार छः हज़ार डॉलर एक्स्ट्रा फाइनेंस करवा लो, पर बेस्ट यही है कि बाद में वो गाड़ी के खर्चे ना उठाने पड़े, लाइक कोई ख़राब होगी कुछ होगी, तो इसलिए आप पहले ही थोड़े एक्स्ट्रा पैसे खर्च दो। तो मैंने इस माइंडसेट से गाड़ी ली थी। बाकी अब मेरे गाड़ी के खर्चों की बात आती है तो मेरी गाड़ी लेते ही फ्यूल प्राइसेस भी हाई हो गए, 1.95 लाइक दो डॉलर के अराउंड पहुंच गया पर लीटर, जो कि यहाँ के अराउंड ज़्यादा है क्योंकि पहले यहाँ पे तो 1.30 के अराउंड चलता था, $1.30 के अराउंड चलता था। एंड ये गाड़ी मेरे को कितने की पड़ी, सबसे पहले इंश्योरेंस मेरे को स्टार्टिंग हिसाब से चीप पड़ी है। वो कैसे, क्योंकि मैंने शॉप अराउंड किया और मेरे को एक्चुअली पहले का पता था जो TD बैंक है उसका इंश्योरेंस यहाँ पे सबसे चीपेस्ट होता है फॉर बिगनर्स, बट फिर भी शॉप अराउंड करना बनता था, हम इंडिया से हम लोग करते हैं। तो क्या था, मैंने जितनी कंपनीज में पता किया, जो मेरे फ्रेंड्स जिनके पास ऑलरेडी गाड़ियाँ थी उनके थ्रू मैंने रेफरल से पता किया, तो कोई 500 दे रहा था, कोई 550 प्लस दे रहा था, $550 पर मंथ, कोई 400 दे रहा था, सॉरी 450 के अराउंड दे रहा था। फिर TD का क्या था ना ऑप्शन, TD की इंश्योरेंस भी मेरे को 400 के अराउंड आ रही थी पर मंथ, $400। फिर मैंने क्या किया, TD का एक ऑप्शन होता है कि आपके सबसे पहले तो कुछ आपको ना चीज़ें लगानी पड़ती हैं उसमें, ऐड ऑन करनी पड़ती है, जैसे आपकी गाड़ी में विंटर टायर्स हैं, अगर आप बोलो यस तो आपको थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा। फिर TD एडवांटेज ऐप होती है जो आप यूज़ करोगे, उसमें एनरोल होगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, तो वो भी मैंने किया। फिर TD ऑटो ऐप, अगर आप TD सिर्फ ऑटो इंश्योरेंस ले रहे हो आपको 400 के अराउंड मेरे को तब आ रहा था ये सारे डिस्काउंट लेके। मैंने अपना एलुमनाई लगाया अपने लैम्पटन कॉलेज का, उसमें भी मुझे थोड़ा डिस्काउंट मिला, तो एक कोर्स होता है वो भी कर रखा था तो उसमें भी मेरे को थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिला, तो 400 के अराउंड मेरे को मैं पहुंच गया, लाइक 550 से 400 के अराउंड मैं पहुंच गया हूं। एंड देन उसके बाद एक और क्या था, अगर मैं उसके साथ अपना रेंटल इंश्योरेंस लेता तो मेरे को रेंटल प्लस ऑटो का डिस्काउंट मिलना था, तो मैंने किया वो। अभी आप बोलोगे कि मेरा जो इंश्योरेंस था ना वो टू बी एक्यूरेट 415 के अराउंड था TD से ही, एंड देन मैंने जब उनसे रेंटल इंश्योरेंस लिया तो वो मेरे को $33 का पड़ा। तो अब आप सोचोगे कि 411 का वो अपना ऑटो इंश्योरेंस एंड $33 का मेरे को ये अपना रेंटल इंश्योरेंस, तो मेरे को सस्ता कैसे हुआ इंश्योरेंस। तो मैं अभी इस टाइम पे इस गाड़ी का $385 इंश्योरेंस दे रहा हूँ, तो 411 और 33 वो कैसे, क्योंकि जब मैंने इन दोनों को कंबाइन किया तो इस पे एक TD वाले एक सेपरेट डिस्काउंट लगाते हैं जिससे मेरे को ये 385 का पड़ा। तो अगर तो लॉजिकली मैं देखूँ, अगर मैं सिर्फ ऑटो इंश्योरेंस लेता तो मेरे को 411 भरने थे, बट मैंने ये दोनों इंश्योरेंस ले लिए तो मेरे को जो मैं रेंटल के 33 ज़्यादा दे रहा हूँ, जो कि मैंने एक रेंटल इंश्योरेंस कोई लाइक स्टूडेंट कोई आप किसी के घर उस पर रह रहे हो लाइक आप मंथली किराया दे रहे हो तो उस पर कोई लेता नहीं है, बट मैंने इसीलिए लिया क्योंकि मेरा जो ऑटो इंश्योरेंस था वो गिर के 350 के अराउंड आ गया और मेरा अपना ये वाला इंश्योरेंस रेंटल इंश्योरेंस था जो 33 था तो मेरे को 385 पड़ रहा है टोटल, एंड वो और सिर्फ ऑटो था 411 था। तो अल्टीमेटली अगर मैं $33 ज़्यादा भी दे रहा हूँ बट मैं वहाँ से ऑटो इंश्योरेंस में काफ़ी ज़्यादा पैसे बचा रहा हूँ। तो ये था बाकी क्या बोलते हैं, मैंने फिर इसमें गैप इंश्योरेंस वगैरह, क्योंकि मेरा नया था अपना लाइसेंस तो बैंक में को उसके बिना अप्रूव ही नहीं कर रहा था, तो गैप इंश्योरेंस या 2000 समथिंग का। फिर अपना इसमें रिम एंड टायर प्रोटेक्शन है 3 साल की, 50% डिस्काउंट में मिली है, बिकॉज आप पता ना अगर रेफरेंस के थ्रू जाते हो, मेरा कोई रेफरेंस नहीं था, बट अगर किसी ने गाड़ी लेनी है आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करो, अगर आप GTA में रहते हो मैं आपको एक जगह रिकमेंड, आप जाओ आपको जहाँ से आपको अच्छा लगती है गाड़ी आप वहाँ से लो, बट अगर आप मेरे कहने पे अगर आप एक बार वहाँ भी हुआ होगे मेरे को कमेंट कर दो इस वीडियो के नीचे, मैं आपको प्रॉपर एड्रेस दे दूंगा, आप वहाँ भी हुआ होगे अगर आपको वहाँ से पसंद आती है वहाँ से अच्छी डील मिल रही है तो ज़रूर वहाँ से लेना, मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है वहाँ से, इसीलिए मैं आपको वो रिकमेंड कर रहा हूँ। बाकी तो आप जहाँ मर्जी से लो, इट्स लाइक आपकी चॉइस है। तो टोटल ये गाड़ी मेरे को 6 साल की है एंड इस पर मेरे को
इंटरेस्ट रेट, हाँ गाड़ी में जो आप फाइनेंस करते हो इंटरेस्ट रेट, कहीं उनको ये सब पे डिपेंड करता है सबके क्रेडिट कार्ड पे, कहीं उनको 1.5% पड़ता है, कहीं उनको 2% पड़ता है, कहीं उनको तो 0% पे भी मिली हुई है जिनको मैं जानता हूँ, बट मेरे को ये 5% पे मिली है। ठीक है, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर मैंने 6 साल का फाइनेंस कराया और अगर मैं देखूँ तो अगर मैं 2,000-2,500-2,500 ज़्यादा भी दे रहा हूँ ना 6 साल के उसमें, तो वो आपको पता है 6 साल के टोटल स्पैन में 2,000-2,500 कुछ पता नहीं चलता, इतना मैटर नहीं करता। तो ये सब थी मेरी गाड़ी की डिटेल्स। बाकी क्या मैं आपको एक बार गाड़ी दिखा देता हूँ बाहर से भी और अंदर से भी एक बार ही अच्छे से, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। बाकी अगर आपको, चलो आप पहले ये वीडियो देखो, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो, आप पहले तो मेरे को बता भी सकते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ किस टॉपिक पे लाऊँ, वरना मैंने जो टॉपिक सोच के रखा मैं उस पर लाऊँगा, बट वो टॉपिक अभी बताऊँगा नहीं क्या। बट ऐसे मैंने और कुछ नया नहीं लिया, इतना भी पैसा नहीं है, यही चीज़ ली है जो मैंने ली है। बाकी आपको एक बार मैं गाड़ी दिखाता हूँ। ये है मेरी एलेंट्रा 2019। बाकी अगर आपको ये वीडियो इतनी सी भी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करो, इससे क्या होगा मेरे को मोटिवेशन मिलेगी, मैं ऐसे इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोज आपके लिए लाऊंगा, मेरा चैनल ग्रो करेगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले टेक केयर और रन आउट।